राम राम सभी भाई आने पाड़े का आशीर्वाद लेकर हम हो चुके हैं भिलवाड़े के लिए रवाना। प्राइवेट जेट पर बैठकर हम पहुंच गए हैं भिलवाड़ा। भिलवाड़ा पर पहुंचते ही हम पैदल पैदल चल के गए रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही हमें मिल गए हमारे फैन भैया। फैन भैया से थोड़ी देर बात की, उन्होंने बताया कि हम भी जयपुर ही जा रहे हैं और रेल में बैठते ही हमें हो गए निप्पल के दर्शन। जयपुर जंक्शन पर उतरते ही हमें पता चला कि हमें लेने के लिए बाहर गाड़ियाँ आई हुई हैं और पहले हमें ये मजाक लग रहा था पर वो सच था। लेकिन जैसे ही बाहर गए फौजी भाई को देखा तब हमें ये मजाक ही लगा और ये गाड़ी हमें लेने के लिए नहीं नेता को लेने के लिए आई हुई थी। तो गांठ जुड़ने के डर से हम चले गए अपने ऑटो में। ऑटो में बैठकर जयपुर देखा। जयपुर को देखकर ऐसा लगा कि रात के 10 बजे भी दिन के 2 बज रहे थे। तो जयपुर हम पहुंचे रात के 2 बजे। 2 बजे हमें प्यास लग रही थी, पानी किसी ने भर नहीं रखा था तो हम निकल गए 2 बजे ही पानी पीने के लिए बाहर। और अगले दिन जैसे ही सुबह हुई तो हमारे करण भैया बलंग के बलंग ने दिखाई अपनी शक्ति प्रदर्शन उन्होंने पूरी दिखा नहीं पाई क्योंकि उनके ऊपर बैठे थे और भी बलवान आदमी की गांड में था हेरा और इसकी गांड में थे चलू ने, जो बहुत ही काट रहे थे, नाच रहे थे दतंग 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 सावन को पानी सातो जवानी बोले। तो इनसे मिलिए, ये हैं हमारे एडिटर भैया जिन्हें आप बहुत ही कम देखते होंगे। तो फिर हम नहा धोकर निकल गए हम खेलने के लिए और ये सब सेक्सी लोंडे और जैसे ही ग्राउंड में पहुंचे हमें हो गए मोनिश राजा के दिव्य दर्शन। इनसे हाथ भी मिलाए थे लेकिन वो वीडियो नहीं बना पाए वरना आपको बताते हैं कि हमारे फेंट कितनी ऊपर तक है। और इस ग्राउंड में जैसे कि आप देख सकते हैं राजस्थान के जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं, इंस्टाग्राम पर जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं, वो सब यहाँ पर आए हुए थे। और फिर ये और आगे जाकर हम मिले इसरार भैया से और इसरार भैया से कुछ देर बाद की तो उन्होंने बताया कि मैंने तुम्हारी वीडियो देख रखी है जिसमें उन्हें बहुत मज़ा आया। और ये बात सुनकर हमें भी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया कि इतने बड़े आदमी ने हमारी वीडियो देख रखी है और वो हंसे भी उस वीडियो पर। और फिर उनके साथ सेल्फी ली हमने और बहुत अच्छे पल उनके साथ बिताए। और ये होती हुई हमारी सब बड़े बड़े क्रिएटर के साथ एंट्री। और अंदर देखकर आपको बताएंगे कि कितने बड़े बड़े क्रिएटर आए हैं, ये जितने भी हैं जितने भी लोग खड़े हैं ये सब इन्फ्लुएंसर हैं इंस्टाग्राम पर। और अब दर्शन करिए सबसे भयानक कॉमेडियन अजय नागर भैया। और अजय नागर हमसे थोड़ा दूर दूर ही थे क्योंकि ये हमें उस वक्त जानते नहीं थे लेकिन बाद में हमारी इनसे बातचीत हुई, बहुत अच्छे व्यवहार के आदमी हैं ये। अब दर्शन करिए मोनिश राजा की पत्नी जी हमारी भाभी जी का बहुत ही शानदार छक्का मारा। और यह है हमारे धीरज भाई साहब टनाटना और अगली गेंद पर मारा चौका। यह है हमारी टीम की साथी पहल जी और यह हमारे ब्लॉगर भैया। और हमें मिल चुका है हमारे किट जिसे पहनकर लगेंगे हम बहुत ही ज़्यादा सेक्सी। पर कुछ ही देर बाद हमारी ये खुशी निराशा में बदल गई जब हमें पता चला कि हमारे जो दूसरे क्रिएटर हैं उनको भी किट मिले हैं। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा दुख हुआ लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा इतना तो। ये लग रहे हैं, देखा हम लग रहे हैं सेक्सी, नहीं लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। और ये होती हुई हमारी अपोजिट टीम की एंट्री। पीछे हमारी टीम है जो आ रही है नहीं आ रही कुछ पता नहीं चल रहा। आ गए हमारी एंट्री और ये झूठे ख्वाबों में सोच रहे हैं कि हम जीत गए हैं। भारत में अंग्रेज आयो अडा छलांगा मारियो बांद्रा की नहीं अब आवड़ बांद्रा कट जाए अंग्रेज वाड़ कूदी बाद ये जो अरे चल यार दिखा दे प्लीज दिखा भाई दिखा भाई दिखा दे शर्मा मत दिखा फैमिली पैक भाई इसके लिए मैंने चाहिए दिन में 10 बार खाना पड़ता है इसके लिए अलग अलग चाहिए 6 रोटी सुबह 6 रोटी शाम को 6 मुट्ठी रात को और मीठा खाने से पहले खाने के बाद बोल करेगा जितनी मेहनत हमारे पास ये ठीक है वो सही ज्यादा है।
हम जीतेंगे अब, मुझे लग रहा है हम पक्का जीतेंगे क्योंकि हमारी टीम की जो वुमेन्स पावर है वो बहुत अच्छी है। ये एक साथ 8 रोटी बना लेती है। ये रहे मोनिश राजा अपनी बॉलिंग की प्रैक्टिस करते हुए। और आप सोच रहे हैं हम बार बार मोनिश राजा को क्यों दिखा रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमें देखने तो शायद ही कोई आए, इसलिए हम बार बार मोनिश भैया को दिखा रहे हैं। तो इन्हें देखिए, खुश रहिए। और ये है हमारे राजस्थान के फ्लोप आर्टिस्ट जी, इनका नाम ही फ्लोप आर्टिस्ट है, ये फ्लोप आर्टिस्ट नहीं है। और अंग्रेज के साथ वीडियो बनाते हुए और अपनी बॉडी का प्रदर्शन करते हुए सच में नाइस एक्टिंग। ये भी मुझे मतलब मैच मिले मेडल अगले इंटरव्यू में बनावा मार बना एक मिल गया मन सहूं करता है वीडियो बोला कि बता किस में और मुझे तो बाबा जब मोटा छोटा कर दे डंडोटा कर दे नहीं मार वो आया सामने बना ना ट्रैक्टर के नीचे बैठे बेस गन बैठे अगले बैठे हां ट्रैक्टर के नीचे के बाबा जब मोटा ले आए छोटा ले तो बड़ा डंडोटा ले तो नहीं जीत गया ये दिया नहीं दोनों एक मैच जीत गया कौन जीता जीता मैच ये दिया नहीं यार बाले ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं है इतनी नोट करने नहीं कर सकते अब कहीं बता गला भी बनी हो सुनो ओ दादी कुटी चला आज तो अरे लाइक करें भाई इतनी जरूरत करनी है आपने मैंने बता दो 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 एक घंटा ले सिर्फ बढ़ा दे वो तो भाई एक टीवी को फोन लिए हाँ तो भाई आपके 50 से होते कैसा लग रहा है आपको बहुत अच्छा लग रहा है फिर भी काम करना पड़ रहा है तो वापस तो बता था ओपिनियन नहीं दिल्ली तो 50 ही आपने होया वहां के न होया ना आपने होया ना आपने तो आपने तो चाय बनाने जानना भाई 50 के हो गए इसलिए हमें अब कोई काम नहीं करना पड़ता। हम इतने अमीर हो चुके हैं कि हमारा खाना भी हमें कुछ बनाना पड़ता है, बर्तन मारने पड़ रहे हैं, वो बाद में वहाँ पर सब्जी काट रहे हैं, फिर बाद में आटा 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 सुनूंगा। ये हमारे बर्तन मार रहे हैं, ये भाई सब हमारे और यहाँ पे चाय बन रही है। आप हमें बताइए हमारे साथ अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और मैं सुंदर कैसे लग रहा हूँ फिल्टर लगा करके। अरे फिर भी हमारे वो एक यूट्यूब के चैनल की लिंक भी डालेंगे, उस पर भी कर दो यार। हमारे बीच में मैन ऑफ द मैच को अवार्ड दिया जा रहा है। हमारे जयपुर में क्या हुआ था?
देखना वो हुआ था। हाँ, एक मिनट। ये बताएंगे शुरू से हेलो जी गाइस, कैसे हैं आप? स्वागत है हमें बहुत सारे अरे यार नीरज जी आइए अरे